स्टूडेंट्स क्लास 9 के फिजिक्स के प्रथम चैप्टर से लिया गया आज का टॉपिक विज्ञान यानी साइंस है, जिसे हम बेसिकली रूप से विस्तार रूप से इसे समझाया गया है। इसे पढ़ें, समझें और अनुसरण करें। सर्वप्रथम तो हम यह जानना जरूरी है कि विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। विज्ञान तो हम पिछले क्लास से ही परिचित हैं, लेकिन अब हमें विस्तार रूप से जानेंगे। विज्ञान का संधि विच्छेद होता है वी जोर ज्ञान इजकल टू विज्ञान। वी मीन्स विशेष, ज्ञान मीन्स ज्ञान। विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ऐसा हम लोग शुरू से जानते हुए आए हैं। सर्वप्रथम हम विज्ञान शब्द को लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं और विज्ञान का भिन्न भिन्न भाषाओं में इसका अर्थ यानी मीनिंग क्या होता है इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम संस्कृत भाषा को लेते हैं। संस्कृत भाषा में विज्ञान का अर्थ यानी मीनिंग विशेष ज्ञान होता है। अब अगली भाषा है इंग्लिश यानी अंग्रेजी। विज्ञान को अंग्रेजी यानी इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस का स्पेलिंग SCIENCE होता है। तो स्टूडेंट्स हम विज्ञान यानी साइंस वर्ड से परिचित हो गए। क्या हुए, संस्कृत भाषा में इसका मीनिंग विशेष ज्ञान होता है और इंग्लिश में इसे साइंस कहते हैं यानी विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक तो हम कन्फर्म हो गए, जान गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है, इसको जानना जरूरी है कि साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ये भी जानना जरूरी है, इसको जान लें, जानकारी ले लें कि साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और लैटिन भाषा में इसे साइंसिया कहते हैं। इस वर्ड को साइंसिया वर्ड से जानते हैं और साइंसिया वर्ड्स का मीनिंग जानना होता है यानी इंग्लिश में टू नो कहते हैं। वर्ड्स एक अजीब सा वर्ड है जिसका स्पेलिंग जानना बहुत जरूरी है। बच्चों इसे लिख लें या याद कर लें। साइंसिया का स्पेलिंग SCIENTIA होता है। क्या बोले हम, इसे अच्छी तरह से लिख लीजिए और याद कीजिए। साइंसिया वर्ड SCIENTIA। स्टूडेंट्स अब आते हैं वर्ड जानना, टू नो। इस टू नो वर्ड को विस्तार पूर्वक जानते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि मनुष्य या कोई व्यक्ति या कोई बच्चे हर समय अपने चारों तरफ होने वाली घटना को जानने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। यही होता है जानना, इसका मीनिंग यही हुआ। क्या हुआ, ये मनुष्य हर समय अपने चारों तरफ होने वाली घटना को जानने के लिए लगातार प्रयास करता है। अब आइए, घटना क्या होता है। घटना होता है तभी उस घटना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो घटना क्या है, घटना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। तो हम लोग उसमें से कुछ घटना को लेते हैं पॉजिटिवली। अभी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस COVID-19 के लेकर के पूरे देश में पूरे स्टेट में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। बच्चे को किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना नहीं है, लेकिन घर बैठे ही काम भी करना है। तो सरकार ने ऐसा सिस्टम दे दिया गया है कि ऑनलाइन आप कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे बैंक से पैसा निकालना, पढ़ाई करना, बाज़ार से सामान खरीदना, परचेजिंग करना, विभिन्न प्रकार के काम को हम घर बैठे करेंगे। कैसे करेंगे उसमें से जान लीजिए। अभी फिलहाल बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन बच्चे को पढ़ाई करना है तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगा, बच्चे लोग ये सोच रहे हैं अरे वाह ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, कैसे होगी जानकारी। तो लोग बच्चे जब अनाउंसमेंट हुआ तो लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल का लोग हंगामा शुरू किया जानने के लिए ये कैसे होगा कैसे होगा। तो देखिए कैसे हुआ, ये घटना को जानने के बच्चे कितने उत्सुक हो गए। काफ़ी जानकारी थे वहाँ पर कि ऑनलाइन पढ़ेंगे, चर्चा का विषय बन गया था कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी हम लोग का, साइंस का, मैथ का, सभी विषयों का होगी, कैसे होगी। इसको जानने के लिए बच्चे कुछ दिन से लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने हर विषयों के विद्वान शिक्षकों को लेकर के वो एक टॉपिक बनाया गया। हर टॉपिक को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, गूगल पे, ये सब भिन्न भिन्न ऐप का यूज करते हुए उन्होंने सेंड करके और बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। बच्चे को जब पढ़ाना शुरू किए तो बच्चे ने इसके बारे में जानकारी लेना शुरू किया। बच्चे को यह आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसे हो रही है।
तो उन्होंने पढ़ाई के संबंध में जानने के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार का ऐप का यूज कर करके पढ़े और जानकारी लेना शुरू किए। यही घटना है, यही जानना है। इस प्रकार ऊपर से प्राप्त विस्तृत रूप से जानकारी के आधार पर विज्ञान को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। जब मानव अपने अनुभव एवं अवलोकन के आधार पर प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गया? इसे फिर से सुन लें और समझ लें और याद करने की कोशिश करें। जब मानव अपने अनुभव एवं अवलोकन के आधार पर प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इस परिभाषा में दो वर्ड इम्पोर्टेंट है। क्या वर्ड है वह? एक कह रहा है कि मानव अपने अनुभव एवं अवलोकन, अनुभव और अवलोकन ये दोनों वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ठीक से समझें। अनुभव क्या होता है? हर व्यक्ति अनुभव करता है किसी भी घटना के बारे में या किसी चीज़ के बारे में कि वो चीज़ वैसा होगा, वो चीज़ वैसा होगा, वहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, देख तो नहीं रहा है लेकिन अनुभव कर रहा है। वहाँ पर बॉम्बे में ऐसा होगा, महाराष्ट्र में ऐसा होगा, दिल्ली में ऐसा होगा, प्रधानमंत्री ऐसे हैं, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अनुभव करते हैं। तो जिसको नहीं देखता है, जिस चीज़ को नहीं देखता है उसका अनुभव करते हैं, लेकिन जिस चीज़ को देखते हैं उसको अवलोकन कहते हैं। तो यही दो काम होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अनुभव एवं अवलोकन किसी चीज़ को देखकर या किसी चीज़ को बिना देखे उसके बारे में जानने का कोशिश करता है, वही क्रमबद्ध ज्ञान हुआ। अब साइंस को इंग्लिश में इस प्रकार डिफाइन करते हैं। द सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज नॉलेज विच ह्यूमन्स हैव गेंड थ्रू देयर एक्सपीरियंसेज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस। विज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट रूप से जान गए और समझ गए। इतना ही नहीं, इसको आगे की ओर बढ़ते हैं, साइंस को आगे की ओर बढ़ते हुए जानकारी लेते हैं। क्या है कि विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है, यानी दो भाग में बांटा गया है। साइंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सजीव पदार्थों का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। दूसरा भाग है कि निर्जीव पदार्थों का विज्ञान, साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब आइए पहला भाग को कुछ जानकारी लेते हैं। पहला भाग में है सजीव पदार्थों का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स। इसके अंतर्गत सभी सजीव वस्तुओं यानी लिविंग थिंग्स का अध्ययन, स्टडी पूर्ण विस्तार रूप से करते हैं। जैसे वनस्पति शास्त्र बोटनी, जंतु शास्त्र जूलॉजी, यानी जितने भी पौधे और जीव जंतु हैं उसके अध्ययन हम विस्तार रूप से करते हैं। हम आते हैं विज्ञान का दूसरा भाग है निर्जीव पदार्थों का विज्ञान, साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है दूसरा भाग? है साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत सभी निर्जीव वस्तुओं यानी नॉन लिविंग थिंग्स का अध्ययन, स्टडी पूर्ण विस्तार रूप से करते हैं। जैसे भौतिकी फिजिक्स, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, भूगर्भ भौतिकी जियो फिजिक्स, खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी इत्यादि, इस सभी की जानकारी हम इसी साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत पूर्ण विस्तार रूप से करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने का मतलब ये नहीं कि इतना ही तक सीमित है। विज्ञान के बारे में जानने के लिए अभी अनंत है, जिसकी जानकारी अनंत है, लेकिन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे या अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जहाँ तक संभव होगा हम इससे संबंधित आपको जानकारी पहुँचाते रहेंगे। सारे स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप तक पहुंच सके। हाँ, इतना ही नहीं, आप अपने कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से अपना विचार लिखने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।